हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल रिपोल का, आर्क सर्वाइवल ऑफ द विडेस का। सो गाइस, आज का आर्क सर्वाइवल ऑफ द विडेस का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल के सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो निट्राडो का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग आर्क पीसी आर्क मोबाइल के सर्वर या रस्ट वगैरह माइनक्राफ्ट के सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। सो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चलो गाइस, आज का ये वाला एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और तुम्हारा भाई जो है गाइस अभी यहां पे करने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड। देखते चलो गाइस सोलो वर्सेस स्क्वाड में हम लोग यहां पे क्या कर पाते हैं। जोन के हिसाब से मैं सोच रहा हूं गाइस कि मैं वैसे फायर पिक भी जा सकता हूं। फायर पिक पे थोड़े से हाई चांसेस है गीगा वगैरह के मिलने के, क्या बोलते हो? गीगा वगैरह के मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है, बट वही है कि जोन आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। फिर भी चलते हैं गाइस, चलो जोन आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट गीगा और चार्चा मिल गया तो मजे ही मजे हो जाएंगे अपने। चलना आ जाए यार फ्रोजन टूथ पे चलते, चलो काफ़ी दिन हो गए गाइस हम लोग फ्रोजन टूथ पे नहीं गए हैं, आज हम लोग चलेंगे फ्रोजन टूथ पे। ठीक है, ये सामने वाला जो रेड ड्रॉप है ये रेड ड्रॉप लेंगे और गाइस एकदम सबकी बैंड बजाएंगे, या तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे बैंड बजाने की। इस रेड ड्रॉप पे काफ़ी ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ओके काफ़ी लोग आने वाले हैं। सो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हाइनाज वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, हाइनाज वगैरह आ रहे हैं, चार्चा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट वही है कि पॉइंट गाइस हमारे पास जो है ना गाइस होने चाहिए इसको टेम करने के लिए। चार्चा भाई उनके हाथों ना मारा जाए अर्जेंट डेविस के हाथों, पता चला बेचारा चार्चा हमारा अर्जेंट डेविस के हाथों मारा गया। ठीक है चलो लेट्स गो बॉयज। क्या अरे चमन गेम है क्या, थोड़ा बावड़ी पूछो क्या, क्या चल रहा है? अबे हट ना पैराशूट। हाँ ठीक है, चार्चा की हालत तो खराब है, इसके मरने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, बट मैं इसके लिए पॉइंट कहाँ से लेके आऊंगा, मैं इसके लिए पॉइंट कहाँ से लाऊंगा? यार अर्जेंट डेविस को मारना पड़ेगा गाइस, ये अर्जेंट डेविस को मैं मारना पड़ेगा मुझे। ठीक है इसने ही मार दिया है, चलो इसको लेके नीचे ही चलते हैं, क्या बोलते हो गाइस? इसको लेके ही नीचे चलते सीधा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा, इसके लिए पॉइंट जमा कर लेंगे, इसके लिए पॉइंट जमा कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे बस ब्रोंटो वगैरह को मार के पॉइंट जमा कर लेने, मुझे ब्रोंटो तो नहीं मिलेंगे मुझे पता है, बट सार्को काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। 150 पॉइंट भाई जमा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है देखते चलो क्या होता है, ट्राई तो करेंगे पूरी पूरी ट्राई हार्ड कोशिश करेंगे, बाकी पता नहीं कि हम लोग कितना कर पाएंगे या फिर कितने पॉइंट। जल्दी से बस पॉइंट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, जल्दी से बस पॉइंट मिल जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी पॉइंट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। रुकना इसको मार लेता हूँ, इससे भी उतने पॉइंट नहीं मिलेंगे कि मैं जाके चार चार टेम कर सकूँ, पता रिलोड कर जल्दी, एक थेरी को मार दूंगा वहाँ पर। ओके जल्दी रिलोड कर, ओके ओके पैरासोरस को मार रहे हैं रैप्टर, 102 पॉइंट 150 से 130 पॉइंट चाहिए होते हम लोग को। रुको भाई रुको, आराम से 130 पॉइंट मिल गए, इतने से होगा टेम वो? मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए जाता हूँ। रुको कमॉन अबे डालना अंदर, हाँ चलो लेट्स गो, इससे 50 पॉइंट मिल गए, टायर वन भी मैं हो चुका हूँ, मैं रिजेन कर लेता हूँ। एंड चार्चा को हम लोग ने कहाँ पे छोड़ा था,
उसको वहां से वापस से लेके आना है। चार्जर को कहाँ पे छोड़ा था हमने? यहाँ पे ना, पीछे कहीं पे। मुझे उसको टेम करके लेके आना है, रुको, टेम करके लेके आना है। ये रहा, टाइगर अभी तक जिंदा है हमारा, टाइगर अभी तक हमारा जिंदा है। चलो लेट्स गो। इसको लेवल 3 करने में बस भाई हमारी खटिया खड़ी होने वाली है, इतनी जल्दी ये लेवल 3 नहीं होगा। हम लोग जो है ना गाइस, काप से जोन कैसे है ना, कैसे उधर से जाने की ट्राई करेंगे, पूरा घूम के, ठीक है, पूरा घूम के। भाई ये छोटे छोटे डायनोस को मार के कोई फायदा ही नहीं है, मुझे बड़े डायनोस को ही मारना पड़ेगा यार, छोटे डायनोस को मार के कोई फायदा ही नहीं है। सार्कोस वगैरह को मारता हूँ, रुको मैं यहाँ पे, जल्दी चल भाई, जल्दी, सार्को वगैरह को मारता हूँ। छोटे छोटे डायनोस को मारूंगा तो वैसे भी पॉइंट नहीं मिलेंगे, सार्को को मारने से भी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, बट स्टैग मिल जाएंगे थोड़े एक्स्ट्रा। मेरा सेबरतूथ कहाँ पे है? वो रहा ये सेबरतूथ ना भाई, मेरे को मरवा देगा रे बेटा, जल्दी आ जा। चलो आराम से, ये ड्रॉप नहीं लूट रहा हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है, पर्पल ड्रॉप लूटूंगा सामने वाला। मार दे भाई सार को, मार दे, गेम ओवर कर दे, पॉइंट तो चाहिए भाई। वहाँ पे किसी ने तो जो ना ड्रॉप लूटा है, वहाँ पे किसी ने तो ड्रॉप लूटा है। अगर हम लोग अभी ड्रॉप लूट लेते तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो हमारी बैंड बचाने के लिए वो आ सकता है जो भी बंदा है। सो इसलिए हम लोग जो है ना ये ड्रॉप नहीं लूटेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। 200 पॉइंट हो चुके हैं, लेवल 1 कर लेता हूँ। जोन आ रहा है पीछे से, जैसे जोन आ रहा है, लेवल 1 कर दिया, बट रिजेन के लिए पॉइंट नहीं है अभी। कम ऑन भाई, सेबर तू दाम, नाइस, लेट्स गो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जोन को टच करके जाऊंगा थोड़ा सा ना, स्टैमिना नहीं है मेरे पास। अबे जोन को टच कर ले, फुल स्टैमिना हो जाएगा। चलो चलते यहाँ पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल अप करने में बस हमारी बैंड बजने वाली है और ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग की बैंड जो है गाइस वो बजने वाली है यहाँ पे लेवल अप करने में, डायनो को, बस डायनो को लेवल अप करते करते हम लोग की ना पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, पूरा गेम जो है ना गाइस वो लेवल अप करते करते ही जाने वाला है मेरा, इतना तो मुझे पता चल गया है। प्लस लेवल अप करते करते बीच में अगर कोई बंदा आ गया उंगली करने के लिए तो खत्म सीधा। लेट्स सी अभी क्या होता है देखते। सबसे बचते बचाते एंड जोन तक पहुंचने की ट्राई करेंगे। स्नो वाले वैम में जाके एक ना मैमथ भी पकड़ लूँगा, क्योंकि मैमथ जो है गाइस वो डैमेज रिड्यूस कर देता है किसी भी डायनो का। ओके ऑलराइट, चलो आराम से। 300 मीटर दूर ड्रॉप लूटा गया, सो मतलब यहाँ पे बंदे तो है, पर मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, उन बंदों के पास मैं जाना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो। 300 मीटर दूर एक और ड्रॉप लूटा गया, जो उनके एज में ही बैठा हुआ है लग रहा है, जो भी बंदा है जो उनके एज में ही बैठा है। 800 मीटर दूर डायरवुल्फ नेम 2, अरे मर गया बेचारा यार, जो उनके बाहर ड्रॉप लूटा गया है। कौन इतना महापुरुष है जो जोन के बाहर लूट रहा है भाई, हैं? जोन के बाहर ड्रॉप लूटने वाले कौन है ये? 600 मीटर दूर भाई बैंड बजा दिए लोगों की। मैं थोड़ा नीचे साइड से जो ना कि घूम के जाऊंगा ताकि उन बंदे से पंगा ना हो। 500 मीटर दूर, काफ़ी दूर है वैसे, अगला जोन डिसाइड होते ही ये लोग भाई जोन की तरफ जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम लोग लेवल अप कर सके यहाँ पर डायरेक्ट। ओके आजा सेबर तूथ हमारा आखिरी सहारा है अभी। आ बे रिंग ऑफ जोन भाई, जोन भाई यार सब अभी यहीं पे आएंगे,
जल्दी जल्दी यहाँ से कल्टी मारता हूँ, पीछे साइड जाता हूँ इधर कहीं पर। आ जा सेबर, तू साथ में आ जा मेरे साथ में आ जा, इधर कहीं पे भाई आराम से लेवल अप करेंगे अपने चार चाकी। ठीक है, सबसे बच के 200 पॉइंट है, दो लेवल भी नहीं हो पाएगा। सर्वर ज़्यादा बूस्टेड नहीं है ना, तो टाइम लग जाता है गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एक तो भाई इसका स्टैमिना, यहाँ के सारे डायनो मरे पड़े हैं क्या? यार यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा, वैसे कुछ दिख भी नहीं रहा डायनो वगैरह। ब्रॉन्टो एक, चलो हाँ दो ब्रॉन्टो है, चलो प्लीज़ थोड़े से तो पॉइंट मिलेंगे। बाय बाय, ठीक है, एक्सपी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आना चलो इन ब्रॉन्टोज को मारते, फिर मैमथ वगैरह को ढूंढते हैं, देखते कहीं पे मैमथ वगैरह मिले तो उनको मार के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। भाई जल्दी यार जल्दी मार दो भाई इनको, इनको मारने में भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इनको मारने में भी बहुत टाइम लगेगा। भाई दूसरा ब्रॉन्टो इसकी मदद करने नहीं आ रहा बेचारे की, एक तो मेरी चार्जर का स्टैमिना नहीं है। भाई सेबर तो अटक गया मेरा, आ जा सेबर तो। सोलो चार्जर के साथ ना प्रॉब्लम तो होगी यार। 300 पॉइंट है, लेवल 2 हो सकता हूँ, इम्पॉसिबल भाई। और 300 पॉइंट चाहिए, 300 नहीं और 200 पॉइंट चाहिए, फिर मैं लेवल 2 हो जाऊँगा। ठीक है भाई, एक मैमथ तो दिख रहा है मुझे, मैं देखता हूँ, मैं मैमथ्स को मारने के लिए जा रहा हूँ इस बार में। ठीक है, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए तो। एक्सपी दे दे भाई मेरे को जल्दी, एक बार लेवल 3 हो जाओ ना फिर मज़ा आएगा गाइस। डिओडॉन पैसिव हीलिंग इनेबल करके इससे हम लोग हील कर सकते हैं अपने आप को, ये सही रहेगा। इसको टेम कर लेता हूँ, और को इसकी पैसिव हीलिंग इनेबल करेंगे और हील कर लेंगे अपने आप को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हील जो है गाइस वो मिलेगी हमको। 1100 मीटर दूर भाई डायनो की पेटी बने जा रही है, 2 लेवल हो चुका हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया। चलो डिओडॉन को भाई मैं अभी टेम कर लेता हूँ, एंड डिओडॉन जो है उसका इनेबल पैसिव हीलिंग कर लेते हैं, तो जब भी हमारी हेल्थ खत्म हो जाएगी, खत्म मतलब कम हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली हील देना चालू कर देगा। फुल फार्मिंग वो करते रहो तुम, और स्टैग दे दो मेरे को। चलो स्टैग तो मिल गए काफ़ी सारे यहाँ पे भाई, 34 स्टैग हुए अभी तक मेरे पिछले मैच में। भाई यहाँ पे मेरे स्टैग ज़्यादा थे, लेवल अप नहीं थी, इस बार मेरी लेवल अप है बट स्टैग ज़्यादा नहीं है। चलो इधर चलते आराम से, वुल फार्म में लू क्या? वुल फार्म में आउल करके मारते तो है वुल्फ्स, नहीं मैमथ ले लेता हूँ मैं, वुल्फ नहीं लेंगे गाइस हम लोग, मैमथ लेंगे। मैमथ आराम से बैंड बजाने बजा देंगे लग रहा है सबकी। ओ भाई वहाँ पे मैमथ्स हैं, एक मैमथ ले लेता हूँ, ओ ये भी ले लेता हूँ, एक रुको एक ये भी ले लेता हूँ। चालिको थेरियम भी काफ़ी काम आता है, टट्टी फेंकता है गाइस ये। अबे यार ये कौन है यार पीछे से, वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, एंक्लोज भी है, वुल्फ भी है, मैमथ भी है। यहाँ से एक मैमथ उठा लेता हूँ मैं, ठीक है एक मस्त वाला मैमथ उठा लेता हूँ। इधर आओ मैमथ, मैमथ का वैसे भी भाई डैमेज काफ़ी ज़्यादा जाता है। चलो एक मैमथ आ गया हमारे पास, इनकी लेवल अप करने के लिए बस पॉइंट चाहिए, मेरी तो लेवल अप अभी हो ही जाएगी, हमारे मैमथ वगैरह के लेवल अप करने के लिए पॉइंट चाहिए इन। अब रिजन ले गए थे, चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं इस डायरेक्शन में, और सामने मैमथ दिख रहे मुझे, उनको मार के आता हूँ। वुल भी है मैमथ भी है, स्टैग भी मिल जाएंगे आराम से। ठीक है भाई 3 ट्राय बची हुई है, 3 ट्राय बचे तो भाई स्टैग भी दो पॉइंट भी दो, लेट्स गो। ये रहा चालिको थेरियम, इसको उठा लेता हूँ, रुको हमारे प्यारे से चालिको थेरियम को उठाते हैं। ओके अगर मैं लेवल 3 हो जाता हूँ तो मेरे पास जितने बचे हुए पॉइंट है वो मैं यहाँ पे अपने डायनोस की लेवल अप में डाल दूंगा। ठीक है चलो लेट्स गो भाई, दो दो गेंडे, गेंडे को लेने की भी सोच रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे भाई सारे हर एक डायनो को टेम करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे, बट ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि उनकी लेवल अप उतनी नहीं कर पाएंगे अब।
500 पॉइंट है ना, मर जाओ भाई। जोन कहाँ पे? जोन तो है, मैमथ की लेवल 1 कर देता हूँ, ठीक है 500 पॉइंट है। ऊपर से थोड़े स्टैग लेके आता हूँ, अभी तक मेरे 100 स्टैग नहीं हुए, मुझे 100 स्टैग चाहिए गाइस। फिर जोन में तो निकल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टीम बची है ना, 3 टीम बची हुई है, सोलो सोलो और एक ट्राई वो बची है, 3 बंदों की टीम बची है, हम लोग सोलो सोलो है। चलो अबे आराम से आ जा भाई, इधर आ, 900 मीटर दूर ड्रॉप लुटा गया है, ठीक है। चाली की भी थोड़ी लेवल अप कर लेता हूँ, लेवल 1, नाइस। 400 पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास, मुझे अभी जोन के अंदर जाना है। ये छोटे छोटे डायनोस को मार के भाई मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाला, रुको मैं लेवल 3 कर लेता हूँ गाइस मेरे, नहीं अगर बंद नहीं टीम नज़दीक दिखी और लेवल 3 करी तो मुझे रिजेन भी उसी टाइम पे देना पड़ेगा ना, थोड़ी सी हेल्थ कम रहेगी मेरे को ना। मैं अभी लेवल 3 कर लेता हूँ अपनी और रिजेन दे देता हूँ, और यहाँ से घूम के जोन में चलता हूँ। आ जाओ बॉयज। अरे पागल पिगल हो क्या तुम यार, एक तो जोन आ रहा है और ये कहाँ जा रहे है? अरे यार कैसे लोग है भाई, जोन आ रहे है और कहाँ पे जा रहे हैं मेरे डायनो। जोन इज मूविंग, मैं जोन के काफी नजदीक हूँ, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टैग मिलते रहे, 100 टैग एक बार हो गए तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। वैसे चारचा को कैसे मारना है वो आजकल सबको पता है। हेलो वुल्फ, हाउ आर यू। चलो आ जाओ बॉयज, 200 पॉइंट है, इसे किसी ना किसी को तो लेवल अप कर ही लूँगा। डिओडॉन कहाँ पे मेरा, रुको गाइस मेरा डिओडॉन कहाँ पे, डिओडॉन इधर आ, ठीक है ओके। पैसिव विलिंग इनेबल है ना, इनेबल पैसिव विलिंग, सब लोड करके रख लेता हूँ चीज़ें, ओके लेट्स गो। क्योंकि हम लोग सोलो हैं सो ज़रूरत पड़ती है गाइस, सारी चीज़ें लोड करके रखेंगे। पॉइंट्स नहीं है बस हमारे पास अभी रिजेन करने के लिए, पॉइंट जमा कर लेते हैं आराम से। ऊपर से एक मैमथ आर्मी आते हुए दिखाई तो दे रही है मुझे, लेवल 3-3 के मैमथ से उसके पास, मतलब लेवल 3 का एक मैमथ है और दूसरा पता नहीं कौन सा डायग है। चलो जोन के अंदर जाना है, जोन कहाँ पे बना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे बना है। जोन के बीच में खाई है क्या, जोन के बीच में ना है, चिल्ली में गाइस खाई है थोड़ी सी, तो अगर खाई के ऑपोजिट साइड में जोन आया तो मैं एच पे रहता हूँ। देख देख कौन से साइड में जोन जाता है, हम लोग उसी साइड उसी तरफ जोन है गाइस बढ़ेंगे, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि किस तरफ जोन जाता है, लेफ्ट या राइट में, बीच में खाई है, ये खाई क्रॉस करनी पड़ेगी हमको, जोन जहाँ जाएगा उस हिसाब से। यार जोन ऑपोजिट में गया तो जोन के बाहर से लेके जाने पड़ेंगे डायनोस, एग्जैक्टली बीचों बीच है भाई जोन, अभी भी पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, जोन के बाहर से सारे डायनोस लेके जाने पड़ेंगे गाइज, समझ रहे हो। कहाँ पे जोन, जोन कहाँ, जोन इसी डायरेक्शन में, चलो अच्छी बात है, आराम से लेवल अप करके रिजेन करने के लिए पॉइंट लेते हैं और अभी बंदों को ढूंढते हैं। 400 मीटर दूर ऊपर पेटी बनी है किसी की, ठीक है हम लोग जोन के बीचों बीच रहते हैं क्योंकि तो मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं आता इतना मेरे को, स्टैमिना बचा के रख रहा हूँ मैं अपने डायनो का। लेवल 3 का कोई डायनो तो दिख रहा है, आ जाओ गाइस। डिओडॉन, डिओडॉन मेरी जाने मन, तू ही तो अपना मैंने, अरे यार इनके पास गीगा है लेवल 2, इनके पास गीगा लेवल 2 है ना, देखो गेम क्रैश सच में, मैं नहीं खेल रहा हूँ गाइस, टारगेट दे दिया और गेम क्रैश हो गया, हो जा भी क्या बोले गाइस, क्या ग्लिच है ना खतरनाक वाली भाई, क्या ग्लिच है और ऐसे टाइम पे होना है भाई,
जब अपने पास बेटर डायनो है, उनके पास लेवल 2 का गीगा है, मेरे पास लेवल 3 का चार्ज है, भाई 70-80 स्टैक। समझ नहीं आ रहा गाइस, हार जाऊंगा लग रहा है मुझे मैच यार। ये गेम का ग्लिच भाई, क्या बोले भाई, इन गेम को तो भाई ऐसे ही छोड़ दिया। अभी असेंडेड लेके आए ना ये लोग, तो दे भी लाइक भाई, बाढ़ में जाओ अभी। दूसरे जो गाइस भाई, दूसरे आर्क और आर्क असेंडेड, आर्क अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसको सीधा गोली मार दी है उन लोग ने, फुल इग्नोर मार रहे हैं। रुको देखते क्या होता है अभी। आप अपना गेम तो क्रैश हो गया है पूरा। गीगा की बैंड पीछे से इजीली बजा सकता था मैं, मैमथ था अपने पास ऊपर से, मैमथ उसका डैमेज रिड्यूस कर देता। बट अभी अगर वो लोग फाइट लेंगे मेरे से, मैं मर गया हूँगा भाई, मुझे लग रहा है। मुझे जितना आइडिया है, मेरी पेटी बन गई होगी अभी तक, मेरी पेटी बन गई होगी। कमांड लोड भी हो जा जल्दी भाई, इतनी एसएसडी डाल के क्या फ़ायदा है भाई, लोड देख रहे हो कितना स्लोली हो रहा है। ज्वाइनिंग आप बताएं मेरे को, कार्ड प्लेयर अनादर, वाह भाई खत्म, मर गया मैं गाइस, छोड़ो छोड़ो गाइस, मर गया। पांच बंदे भाई, पांच प्लेयर बचे हुए हैं, मतलब मैं मर गया हूँ यहाँ पे, मैं मर गया हूँ भाई, मेरी पेटी बन गई है गाइस, खत्म। कार्ड प्ले भाई, अनादर प्लेयर कनेक्टेड, सच में यार, कम ऑन ड्यूड यार, गाइस कैसे कर सकते गेम वाले। तीन बंदे जीत गए वो लोग जीत गए, खत्म हो गया गाइस मैच, मैच खत्म हो गया क्योंकि वो बंदे जीत गए और हमारे जो डायनोस थे उन्होंने अटैक ही नहीं करा होगा। जीत गए गाइस वो लोग बंदे, मेरी पेटी बन गई, मैच खत्म भाई बोलेंगे अभी। देख रहे हो यार, इतनी मेहनत करके एंड तक एंड में इसे आर्मी बना के, जबकि ओपोनेंट के पास सिर्फ एक गीगा था लेवल 2 का, और लेवल 0-0 के डिओडन थे, और कुछ था ही नहीं उन लोग के पास, और स्टिल हमारे पास अच्छा डायनो होने के बावजूद हम लोग हार गए क्योंकि हमारा गेम क्रैश हो गया। बताऊं क्या किस्मत है गाइस अपनी खराब, बताऊं किसी फूटी किस्मत है। खत्म भाई, मैच खत्म है, मैच खत्म है भाई, देखना अभी लिख के आएगा गाइस यहाँ पे, भाई हो गया खत्म। और कितना ब्लैक स्क्रीन दिखाओगे, कुछ तो मैसेज शो कर दो ना भाई। ये गेम वाले बोल रहे भाई वो भी नहीं करेंगे। चलो गाइस मर गए हम लोग, हमारी पेटी बन गई, और यहीं पे इस वीडियो का द एंड हो जाता है। इसी खतरनाक से गाइस इजी विन था, इजी विन। पहले तो मैं गीगा के बैंड बजाता, फिर वो डिओडन बिओडन थे उनको तो मेरे हाथी वगैरह ही देख लेते। हट यार, सच में भाई क्या बोले, कैसी किस्मत है अपनी। चलो कोई ना, इसी सैड एंडिंग के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। Late now, I remember you and me, and how careless we'd be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.